इकोनॉमिक्स uh, में मैक्रो इकोनॉमिक्स में जिन भी चैप्टर्स के अंदर आप बात करोगे तो उसमें काफी ज्यादा यूज आने वाली है ये दोनों टर्म्स ओके okay? तो एक एक करके इन दोनों को मैं आप लोगों को समझा देती हूँ ठीक है तो बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाऊंगी स्टॉक क्या होता है भाई स्टॉक एक ऐसा वर्ड है जो कि अपन अपनी रोज की लाइफ में से काफी बार यूज करते हैं ठीक है थीके? जैसे हम किसी भी शॉप के पास शॉपकीपर के पास में जाते हैं उनसे कोई सामान खरीदने तो वो उनको हम अक्सर बात करते हुए सुनते हैं कि भाई इस इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का स्टॉक तो हमारे पास में खूब रखा हुआ है ठीक है वहीं कोई बिजनेसमैन है तो वो बिजनेस कर रहा है सपोज जो वुडन चेयर्स होती हैं टेबल्स होती हैं उसका तो वो अक्सर क्या कहते हैं कि हाँ हमारे पास में चेयर्स का काफी स्टॉक रखा हुआ है पिछले साल का भी स्टॉक रखा है आने वाले साल के लिए भी हमने स्टॉक इकट्ठा करके रखा हुआ है ठीक है और हम इनफैक्ट हम घर में ही यूज कर मतलब इस टर्म को काफी बार यूज करते हैं मम्मी इस टर्म को काफी बार यूज करती है कि भाई हमारा ना राशन पिछले महीने का भी स्टॉक हुआ हुआ रखा है और नेक्स्ट मंथ के लिए भी हमने अभी से ही स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया है तो ये जो वर्ड है स्टॉक ये मतलब इसको इन एग्जाम्पल से क्या आप थोड़ा बहुत भी कनेक्ट कर पा रहे हो स्टॉक का मतलब क्या होता है देखो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ़ टाइम पे चीज के बारे में आप बात कर रहे हो वो आपके पास में कितनी प्रेजेंट है जितनी भी वो आपके पास में प्रेजेंट एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो आपके लिए स्टॉक है ठीक है सो so, लॉकडाउन के दौरान क्या हो रहा था बच्चों की uh, जैसे वी आर वी नॉट अलाउड टू गो आउट ठीक है हम मार्केट मतलब ऐसा नहीं जाया करते थे सिर्फ कुछ पर्टिकुलर आर्स होते थे जिसमें हमें गवर्नमेंट ने छूट दी रखी थी कि भाई आप इसी मतलब इसी पर्टिकुलर आर्स में बाहर जा सकते हो जो भी आपके नेसेसरी आइटम्स जो भी आपको जरूरी है वो आप परचेज कर सकते हो करेक्ट तो उस दौरान क्या होता था कि हम ना हमारे घर का जो भी ग्रोसरी आइटम है उसको स्टॉक करके रखते थे इकट्ठा करके रखते थे कर रखते थे है ना कि भाई अगले महीने के लिए भी काम आ जाएगा और इमरजेंसी में भी काम आ जाएगा आज तो चलो गवर्नमेंट ने तीन घंटे की छूट दी है वॉट ऑफ गवर्नमेंट ये भी मना कर दे कि अब आपको बाहर निकलना ही नहीं है जो है उसमें गुजारा करो तो जो है उसमें गुजारा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था तो उस स्टॉक को मेंटेन करके रखना पड़ता था ठीक है सो आई होप कि आप थोड़ा सा इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे ठीक है अब इसकी जो डेफिनेशन में बताने वाली हूँ इससे आप पूरी अच्छी तरीके से स्टॉक क्या होता है इसको आप समझ जाओगे ठीक है सो देखो अब स्टॉक एज अ क्वान्टिटी ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि मेजर की जाती है मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है सो स्टॉक बच्चों एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर मेजर की जाती है ठीक है जैसे सपोज करो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है कि ऑन मतलब रुपीस रुपीस तो यहाँ पे मैंने हर एक चीज बिल्कुल स्पेसिफिकली बता दी है कि इस पर्टिकुलर डेट पे मेरे अकाउंट में इतना पैसा था ठीक है अब जिस एंटरप्रेन्योर की बात थे, जिस बिजनेसमैन की हम बात कर रहे थे तो उसके लिए हम ऐसे कह रहे थे ना कि जैसे वो वुडन चेयर्स और टेबल्स का बिजनेस करता है तो वो अपना एग्जैक्ट बताएगा कि पिछले साल का मेरे पास में इतना अमाउंट का स्टॉक रखा हुआ है जैसे 40 का मेरे पास में स्टॉक स्टॉक रखा हुआ है है आने वाले साल के लिए मैंने अभी अभी, से से बनाना स्टार्ट कर अभी करना स्टार्ट कर कर दिया दिया करना क्योंकि मुझे पता है मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली है तो आने वाले साल के लिए मैंने क्या कर दिया है? तीस मतलब तीस का स्टॉक अभी से मतलब बनाना स्टार्ट कर दिया है ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर है ना हम क्या कर रहे हैं कि जो भी अपने पास में अवेलेबल है सामान उसको अपन एज अ स्टॉक बता रहे हैं लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर ठीक है आज मेरे पॉकेट में कितने रुपए है आज मैं ऐसे बोलूंगी कि भाई यहाँ पे पांच तारीख को मतलब फाइव ऑफ सपोज करो डिसम्बर फाइव ऑफ डिसम्बर को मेरे पॉकेट में कितने रुपीज है टू थाउजेंड रुपीज है ठीक है तो ये क्या हो गया एक स्टॉक हो गया क्योंकि ये मेरे जेब से निकल नहीं रहे हैं मतलब ऑफकोर्स निकलेंगे जरूर लेकिन अभी इस पॉइंट पे तो मेरे पास में है है ना इस पर्टिकुलर डेट पे इस पॉइंट पे मेरे जेब में इतने रुपए हैं तो अच्छा जब फ्लो की बात करेंगे ना तो उसमें आप जब डिफरेंस देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या स्टॉक कॉन्सेप्ट तो स्टॉक बेसिकली सरल भाषा में यही है कि आपके पास में पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर वो जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में भी आप बात करें वो कितना है ठीक है और उसके अंदर किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं हो रहे हैं ये जरूर ध्यान रखना स्टॉक के अंदर चेंजेस नहीं हो रहे हैं यहाँ पे एटलीस्ट उस पॉइंट ऑफ टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं हो रहे हाँ आगे हो जाएंगे लेकिन जैसे ही आगे जब आप, जब भी आप आप भी चेंजेस करोगे तो आपका वो जो वो जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है चेंज हो जाएगा ठीक है तो जो दो वर्ड्स हैं जिन पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करके रखना है बच्चों वो है ये पॉइंट ठीक है एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा होता है बच्चों आपका जब अपन फ्लो के बारे में बात करते हैं ना तो दूसरा होता है आपका पीरियड ऑफ टाइम तो फ्लो के अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा ये रहा देखो पीरियड ऑफ टाइम तो इन दोनों टर्म्स को हमेशा ध्यान रखना एक होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम देखो पीरियड जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है ठीक है पॉइंट ऑफ टाइम में अपन एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम एक स्पेसिफिक डेट uh, की बात करें एक स्पेसिफिक टाइम की बात करें पीरियड ऑफ टाइम अब आपका एक महीने का भी हो सकता है अब आपका एक साल का भी हो सकता है चार साल का भी हो सकता है दस साल का भी हो सकता है ठीक है लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम आप एक पर्टिकुलर डेट एक पर्टिकुलर मतलब दिन एक पर्टिकुलर जो टाइम है कि नौ बज के इतने मिनट मतलब इस तरीके से आप उसको काउंट करते हो तो वो आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है ठीक है अब इसमें एक चीज और है आप लोगों के लिए स्टॉक वैल्यूज क्या होती है सो स्टॉक वैल्यूज आर मेजर्ड एट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है कैपिटल एंड क्वांटिटी ऑफ मनी आर नोटेबल एग्जांपल्स ऑफ स्टॉक दिएबल अगर आपसे पूछा जाए कि चलो ठीक है एक्सप्लेन व्हाट इज स्टॉक एंड गिव इट्स एग्जांपल ओके तो आपको बताना है कि कैपिटल जो होता है और जो क्वांटिटी ऑफ मनी होती है ये आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट है किस तरीके से ये मैं आपको समझाती हूँ जैसे सपोज करो अपन कैपिटल की बात कर रहे हैं ठीक है तो अब क्या होता है कि कोई भी बिजनेसमैन होता है ना जब भी वो इंडस्ट्री अपनी सेटअप करता है तो उसको पता होता है कि मेरे पास में दो क्या है दो मशीन है ठीक है और मेरे पास में दस लेबर है ओके तो ये इसका क्या हो गया ये इसका स्टॉक हो गया ठीक है अब इसके अंदर भी स्टॉक कौन सा है देखो सिर्फ कैपिटल इसके अंदर स्टॉक है यानी कि ये जो दो मशीन है ये इसका क्या हो गया कंसेप्ट इसका ये स्टॉक वाला हो गया लेबर को तो वो कम से ज्यादा कर सकता है वो क्या करेगा अगर उसको अपने प्रोडक्शन बढ़ाना है तो 10 की बजाय इसको 12 कर देगा ठीक है दस के बजाय इसको बारह कर देगा पंद्रह कर देगा बीस कर देगा लेकिन मशीन वो दो ही रखेगा तो क्योंकि वो मशीन सिर्फ दो ही रख रहा है तो वो उसका स्टॉक हो गया है ना उसमें वो बिल्कुल भी चेंजेस नहीं कर रहा और वो बता सकता है कि भैया मैंने इस पर्टिकुलर दिन के अंदर इस पर्टिकुलर डेट मैंने दो मशीन इंस्टॉल करी है अभी तक वो वही सेम चली आ रही है सो इट्स हिज स्टॉक ओके सो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल फिर अपन बात करते हैं देखो क्वांटिटी ऑफ मनी की सो क्वांटिटी ऑफ मनी भी आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है इसका एग्जांपल अभी अपन ने देखा ही था कि जैसे पांच जनवरी को मेरे पास में इतना अमाउंट मनी था ठीक है फिर दस जनवरी को मैंने इतना अमाउंट टेन थाउजेंड या जो भी ट्वेंटी थाउजेंड मैंने अपने फ्रेंड को क्या करा उसको दिया ठीक है तो जो अमाउंट है वो बिल्कुल स्पेसिफिक है यहाँ पे और एक पॉइंट ऑफ टाइम आप यहाँ पे क्या कर रहे हो होम्फिसाइज कर रहे हो सो दिस इज योर स्टॉक कॉन्सेप्ट ओके चलिए अब मीनिंग ऑफ फ्लो की अपन बात करें तो फ्लो क्या होता है बच्चों इट इज अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम मैंने आपको बता दिया कि फ्लो क्या होता है कि ये आपका एक पीरियड ऑफ एग्जाम्पल के, के थ्रू समझोगे जैसे क्या क्या होता है इस तरीके से अपने पास में एक बाकेट ये है और एक बाकेट ये है ठीक है अब यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे नल लगा हुआ है तो पानी बस ऐसे ऐसे भरता जा रहा है और ओवरफ्लो होने के बाद में ये पानी गिर रहा है यहाँ से ठीक है तो भर भी रहा है और गिर भी रहा है सो इट इज अ फ्लो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये यह पानी बस इतना है इस, इसको पहले पढ़ती बस ये पानी इतना है ना इसमें पानी आ रहा है ना इससे निकल रहा है तो दिस इज दोग ओके सो यहाँ पे आपने देखा कि ये वाला जो है दिस इज योर पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है ना इसमें बढ़ रहा है पानी ना इसमें से घट रहा है बस ये क्या है ये स्टैटिक है एक पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर हमारे बकेट के अंदर इतना पानी था फ्लो क्या हो रहा है फ्लो नल से आता भी जा रहा है पानी बाल्टी भर चुकी है पानी निकलता भी जा रहा है और आता भी जा रहा है सो दिस इज फ्लो ठीक है दिस इज योर पीरियड ऑफ टाइम ठीक है जैसे अभी अपन ने बोला था पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर कि भाई फर्स्ट uh, जनवरी 2020 के अंदर मेरे अकाउंट में ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज थे वहीं अगर, अगर, अगर अपन फ्लो के अंदर इस एग्जाम्पल को लें तो अपन यहाँ पे डेट वगैरह मेंशन नहीं करेंगे अपन ऐसे बोलेंगे कि जनवरी मंथ के अंदर मेरे को जो सैलरी मिली वो इतनी मिली ठीक है क्यों ऐसा क्यों और अच्छा ये भी अपन ऐसे नहीं बोलेंगे अपन सिर्फ इसको इस तरीके से बोलेंगे कि मेरी जो सैलरी है वो इस इतनी है ट्वेंटी थाउजेंड है हर महीने मुझे ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज मिलते हैं ठीक है तो वो मिलते हैं वो चले जाते फिर मिलते हैं फिर चले जाते फिर तो दिस इज नॉट स्टैटिक ओवर स्टार्टिकल राइट सो so, यहाँ पे बच्चों आपके पास में कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि स्टॉक के हैं और कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि फ्लो के हैं ठीक है एक एक करके अपन इनको समझते हैं सबसे पहला है आपका वेल्थ अब देखो जो भी वेल्थ होती है हमारे नेशन की जो भी वेल्थ होती है वो क्या होती है ठीक है सो so, यहाँ पे नेशनल वेल्थ भी आप लिख सकते हो और वेल्थ अगर बोल रहे हैं अपन तो वो आप किसी भी सेंस में ले सकते हो ठीक है कि भाई हमारे नेशन की जो वेल्थ है ये क्या है ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है ओके इसके अंदर किसी भी तरीके का मतलब अपन इसको कैसे मेजर करते हैं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर मतलब इस पर्टिकुलर डेट में आज जैसे आज अपन ले लेते हैं कि आज की तारीख में हमारे नेशन के अंदर इतनी पर्टिकुलर वेल्थ है ठीक है सो दैट्स वाई दिस इज स्टॉक कॉन्सेप्ट फिर अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो इनकम देखो इनकम क्या होती है इनकम अपनी फ्लो कॉन्सेप्ट होती है इनकम

महीने के अंदर एक तारीख को मेरे अकाउंट में इतना पैसा था नहीं जनवरी महीने के अंदर मेरे मतलब मेरी इनकम इतनी थी मेरे अकाउंट में जो है वो इतना पैसा था ठीक है अब यहाँ पे जब मैं कोई स्पेसिफिक डेट मेंशन कर दूं या फिर मैं ये बोल दूं कि आज जनवरी का महीना है और आज की जो भी डेट है सपोज पांच तारीख है तो पांच जनवरी 2020 को मेरे अकाउंट में इतना पैसा है तो वो हो जाता है आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट ठीक है और वही जब हम फ्लो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक पीरियड ऑफ टाइम मैंने बता दिया कि जनवरी के महीने के अंदर मेरे अकाउंट में इतना पैसा था मेरी इनकम इतनी थी ठीक है फिर अपन यहाँ पे बात करते हैं लेबर फोर्स की सो देखो लेबर फोर्स मैं आपको समझाती हूँ लेबर फोर्स क्या होता है देखो हमारी जो टोटल पॉपुलेशन होती है ना उस पॉपुलेशन के अंदर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि इम्प्लॉइड होते हैं और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि अनएम्प्लॉयड होते हैं ठीक है तो हम क्या बोलते हैं कि दो के अंदर जो इम्प्लॉयड लोग हैं वो इतने हैं ठीक है 2019 जनवरी के हिसाब से 2019 जनवरी के हिसाब से और तारीख भी अगर, अगर अपन यहाँ पे मेंशन करते हजार उन्नीस जनवरी पांच के हिसाब से इंडिया के अंदर इतने इम्प्लॉइड हैं और इतने अनएम्प्लॉयड हैं इतने लोगों के पास में काम है और इतने लोगों के पास में काम नहीं है दैट इज वाई इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट क्योंकि अपन हमेशा इसको इस तरीके से ही बताते हैं ओके वहीं पे जब अपन एक्सपेंडिचर करते हैं जब अपन खर्चा करते हैं तो खर्चा अपन कैसे करते हैं कि भाई जनवरी के महीने में मैंने बीस हजार रुपए खर्च कर दिए या एक साल के अंदर अंदर बिटवीन वन ईयर ठीक है बिटवीन वन ईयर मैंने पचास हजार रुपए खर्च कर दिए ठीक है सो so, ये आपका हो जाता है फ्लो कॉन्सेप्ट फिर अपन बात करते हैं देखो कैपिटल की सो जब अपन बात करते हैं कैपिटल की तो हमें पता है कि कैपिटल को भी अपन ने कैसे समझा था कि जैसे सपोज आज की डेट ले लें आज की एज एन अज्यूम कर लेते हैं अपन अज्यूम कर लेते हैं कि आज आज क्या है आज फाइव फेब है तो अगर मैं किसी कंपनी के एंटरप्रीनियोअर हूं तो मैं क्या बोलूंगी कि फाइव फिफ्थ ऑफ फेब टू के अंदर मेरे कंपनी के अंदर कितनी कितनी मशीन्स थी तीन इंस्टॉल थी, ठीक है मैं इस तरीके से बताऊंगी फिफ्थ फैब टू 2019 के अंदर मतलब फिफ्थ फेब के अकॉर्डिंग 2019 में मेरी कंपनी के पास में इतनी मशीन्स थी और इतनी लेबर थी ठीक है वहीं पे कैपिटल फॉर्मेशन कैपिटल फॉर्मेशन आपका क्या हो जाता है इन्वेस्टमेंट ही हो जाता है एक तरीके से सो इन्वेस्टमेंट फ्लो कॉन्सेप्ट है कि भाई मैंने पिछले साल इतना इन्वेस्टमेंट किया नेक्स्ट ईयर मैं इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और इस पूरे साल मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया है तो पूरे साल का यहाँ पे हम काउंट करते हैं या पूरे महीने का हम काउंट करते हैं और यहाँ पे हमने क्या किया एक स्पेसिफिक डेट एक स्पेसिफिक पॉइंट uh, का हमने यहाँ पे काउंट किया है कैपिटल फिर अपन बात करते हैं देखो क्वांटिटी या फिर सप्लाई ऑफ मनी So, देखो इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई होता है ठीक है वो किस वो किस हिसाब से होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से होता है ठीक है एक टाइम पे कितना मनी सप्लाई किया जा रहा है बस वही टाइम वही टाइम सॉरी वही मनी जो है वही वो पूरी मनी इकोनॉमी के अंदर सर्क्यूलेट होता है ठीक है यहाँ पे अगर, अगर अपन आए तो चेंज द सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री अब जैसे ही जैसे अपन ने बोल दिया कि 2019 के स्टार्टिंग में है ना जो हम, हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इतना मनी सप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया ये आपका स्टॉक हो गया कि भाई स्पेसिफाई कर दिया कि 2019 के स्टार्टिंग जनवरी जैसे फर्स्ट फर्स्ट वीक के अंदर जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने इतना मनी सप्लाई कर दिया अब वही सर्कुलेट हो रहा है अब जब इस मनी सप्लाई को थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें थोड़ा और एड ऑन करेंगे तब फिर वो क्या हो जाएगा वो फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा ठीक है सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि, कि स्टॉक किस तरीके से होते हैं और फ्लो कॉन्सेप्ट किस तरीके से होते हैं सो ये सारे आपके वेरिएबल्स हैं ये सारे वेरिएबल्स आपको ऐसे ऐसा ध्यान रखने हैं क्योंकि एग्जाम में काफी बार आपसे पूछ लिया जाता है आपको ऐसे दे दिए जाएंगे पांच सात तो और इसमें से बोल दिया जाएगा कि वन इज फ्लो इन दीज पे बात करते हैं कुछ और भी हैं अपने पास में जैसे बैंक डिपॉजिट है तो जैसे बैंक डिपॉजिट का मैंने अभी बताया था कि जैसे थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी को मेरे बैंक में ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज थे ओके okay? फिर यहाँ पे अगर आए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इंटरेस्ट जो है कैपिटल पे जो भी कैपिटल किया है tank, तो वो मैंने आपको एग्जाम्पल बकेट वाले एग्जाम्पल से बताया था ठीक है तो वाटर इन ओवर हेड टैंक मतलब एक टैंक में भर मतलब पानी जितना हमें चाहिए उतना हमने भर रखा है ना उसमें आ रहा है ना उससे निकल रहा है फिर लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम दी ओवरहेड टैंक वहीं पे जैसे सपोज करो कि ये टैंक है यहाँ पे ये लीकेज हो रखा है ठीक है इसको मैं ऐसे लीकेज बना देती हूं यहाँ से ये लीकेज हो रहा है और यहां से ये इस तरीके से पानी निकलता जा रहा है और ऊपर पानी आता जा रहा है तो पानी आ भी रहा है और निकल भी रहा है ठीक है सो दिस इज फ्लो डिस्टेंस बिटवीन डेली एंड मुंबई तो देखो डेली और मुंबई के बीच का जो डिस्टेंस है ये बिल्कुल फिक्स है ये बिल्कुल क्या है स्टॉक है मतलब स्टॉक कैसे है कि हमें पता है कि सपोज डेली से मुंबई के बीच का जो डिफरेंस है वो चार घंटे का है ठीक है अब चार घंटे का तो मतलब ऐसे है कि आपने इसको स्टैंडर्ड डिफरेंस आपने देख रखा है अब ये डिपेंड करता है कि आप किस मतलब अगर आप प्लेन से जा रहे हो तो ये डिस्टेंस जो है वो मतलब जो टाइम है वो आपका कम लग जाएगा है ना तो ये क्या आ जाएगा स्पीड जब अपन स्पीड की बात करते हैं दो चीजें हैं देखो एक है डिस्टेंस डिस्टेंस हमेशा क्या है डिस्टेंस हमेशा स्टॉक है क्योंकि डिस्टेंस को आप कम नहीं कर सकते हो आप चाहे कुछ भी कर लो डिस्टेंस को कम नहीं कर सकते हो डिस्टेंस तो फिक्स है कि भाई दिल्ली से मुंबई का पर्टिकुलर जो डिस्टेंस है वो इतना है ठीक है फिर अपन बात करें अगर स्पीड की तो स्पीड अगर आप तेज कर लो तो डिस्टेंस वो आपका कम हो जाएगा मतलब डिस्टेंस यानी कि आप जल्दी पहुंच जाओगे ठीक है और स्पीड अगर आप और कम कर लो तो आप थोड़ा सा लेट से पहुंचोगे लेकिन आपको कवर उतना ही टाइम कर मतलब उतना ही डिस्टेंस करना है करेक्ट सो so, दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहता है लेकिन आप स्पीड को कम ज्यादा करके आप कर सकते हो क्या कर सकते हो या तो जल्दी पहुंच सकते हो थोड़ा सा लेट पहुंच सकते हो ठीक है फिर राइस स्टोर्ड इन अ गोडाउन अब एक गोडाउन के अंदर राइस स्टोर किए हुए हैं तो ये तो दिखती सी बात है ये आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट है फिर पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री सो पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री यानी कि 2020 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे कंट्री के अंदर इतनी पॉपुलेशन है ठीक है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम अपन ने यहाँ पे मेंशन कर दिया वहीं पे यहाँ पे आ जाओ सो सेल्स ऑफ राइस अब जो सेल uh, है राइस की वो क्या वो कैसी होती जा रही है वो होती जा रही मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस है ये स्टैटिक प्रोसेस है ये एक डायनेमिक प्रोसेस है ठीक है कंटिन्यूस प्रोसेस है फिर अपन यहाँ पे बात करें नंबर ऑफ वर्ड्स जैसे नंबर ऑफ वर्ड्स तो क्या होता है हर एक सेकंड एक बच्चा पैदा होता है ठीक है हर एक सेकंड तो नहीं आई गेस और सेकंड पे हर एक नया जो बेबी है वो बॉर्न होता है ठीक है so, सो ये क्या है ये एक तरीके का फ्लो कॉन्सेप्ट है ऑल राइट right? और ये यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन क्या करते हैं मेजर करते हैं सो दिस इज स्टॉक एंड दिस इज फ्लो सो आई होप कि आपको दोनों ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे अब फाइनली अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे अपन समझ रहे हैं वेरिएबल्स अपन ने अच्छे से अभी तक समझ लिए हैं ठीक है सो एक बार इसके डिफरेंस को भी फटाफट से देख लो सो so, एक तरफ आपके लिए स्टॉक है और एक तरफ आपके लिए वेरिएबल है सो स्टॉक रेफर्स टू वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है एक पॉइंट ऑफ टाइम में जो भी वैल्यू है आ, किसी भी वेरिएबल की वो आपका स्टॉक है वहीं पे एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर का यहाँ पे वैल्यू है उस मतलब जो भी वेरिएबल है उसकी कितनी वैल्यू है वो आपका क्या है फ्लो है ठीक है सो जो आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस करने वाली चीज है वो क्या है पॉइंट ऑफ टाइम एंड यहाँ पे क्या है बच्चों पीरियड ऑफ टाइम ठीक है वेरिएबल की वैल्यू पॉइंट ऑफ टाइम के बेसिस पे करते हो तो स्टॉक वेरिएबल की वैल्यू पीरियड ऑफ बेसिस पे करते हो दैट इज इज फ्लो स्टॉक नॉट टाइम डायमेंशनल अब देखो स्टॉक जो होता है वो टाइम डायमेंशनल नहीं होता है मतलब इसके अंदर आप टाइम मतलब पूरे पूरे जैसे बड़े एक महीना एक साल है ना चार साल दस साल ऐसे आप यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करोगे स्टैटिक है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है ये ठीक है इट इज मेजर्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम वहीं पे फ्लो इज अ डायमेंशनल फ्लो कैसा है आपका डायमेंशनल होता है ठीक है ये पर आर पर मंथ पर ईयर के बेसिस पे इसको कैलकुलेट करना होता है थर्ड और लास्ट आपका जो डिफरेंस है वो क्या है स्टॉक इम्पैक्ट दी फ्लो अब स्टॉक जो है वो फ्लो को इम्पैक्ट करती है अगर हमारे पास में ज्यादा स्टॉक होगा तो हमारा फ्लो भी ज्यादा होगा ठीक है ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल जितना ज्यादा हमारे पास में कैपिटल का स्टॉक होगा उतना ज्यादा हम गुड्स और सर्विसेज का फ्लो कर पाएंगे ठीक है नाउ नेक्स्ट इज फ्लो इम्पैक्ट स्टॉक और जितना ज्यादा हम फ्लो कर रहे हैं तो हमें पता है कि भैया हम फ्लो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ज्यादा निकल रही है तो नेक्स्ट ईयर के लिए हमें स्टॉक ज्यादा बना के रखना होगा ठीक है सो ग्रेटर द फ्लो ऑफ इनकम ग्रेटर इज दी स्टॉक ऑफ वेल्थ विद द पीपल ठीक है तो जितना ज्यादा लोगों की इनकम का फ्लो होता रहेगा उतनी ज्यादा लोगों की जो वेल्थ है वो बढ़ती रहेगी और वेल्थ कैसी है वेल्थ एक तरीके का स्टॉक कॉन्सेप्ट है ठीक है सो ये दोनों ही आपस में किस तरीके से है? बच्चों दोनों ही आपस में इंटरकनेक्टेड है ये आपको ध्यान रखना है क्लियर चलिए सो यहाँ पे आपका स्टॉक और जो फ्लो कॉन्सेप्ट है वो आपका खत्म होता है आई होप कि दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर अब ये ऐसी चीजें हैं जो कि पढ़ते समय या फिर समझाते समय बहुत इजी लगती हैं लेकिन जब अपन इनको खुद से पढ़ने लगते हैं तो अपन को लगता है कि यार ये थोड़ा कंफ्यूजिंग मतलब कंफ्यूजिंग सी टर्म है ये थोड़ा समझ में नहीं आया तो अगर आप भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ठीक है बाकी वैसे दोनों ही बहुत ही सिंपल uh, हैं बस आपको क्या करना है आपको जो कंफ्यूजन जो चीज क्रिएट करी उसको अपने दिमाग से निकालना है और उसे आपको क्लियर करना है ओके सो so, बच्चों अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है आज का तो इस वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर भी करना और बेलाइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा थैंक यू सो मच